आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए वेस्ट इंडीज ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्क्वाड में कोई भी रिजर्व खिलाड़ी शामिल नहीं है। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन एविन लिविस की वापसी हुई है, जबकि आंद्रे रसल और फैबियन एलिल जैसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम रहे। आइए जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में सबसे पहले शामिल हैं वेस्ट इंडीज के कैप्टन लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन निकलस पूरन, फिर शामिल है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शिमरॉन हेटमेयर, ऑलराउंडर जेसन होल्डर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले स्पिनर अकील हुसैन। इसके बाद वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एविन लिविस, लेग स्पिनर यानिक कैरिया, राइट हैंडेड बैट्समैन जोनसन चार्ल्स और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर शेल्डन कॉटरेल। इसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ, राइट हैंडेड बैट्समैन ब्रेंडन किंग, ऑलराउंडर केएल मेयर्स और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ओबेद मकोय। इसके बाद स्क्वाड में शामिल किया गया है मजीद दो ऑलराउंडर्स को। सबसे पहले शामिल हैं ऑलराउंडर रेमन रीफर, फिर शामिल हैं ऑलराउंडर ओडेन स्मिथ और सबसे आखिर में शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन रोवमन पावल।